नमस्कार, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। मुजफ्फरपुर की तमाम बड़ी खबरें लेकर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जीनियस क्लासेस। तुर्की उपी क्षेत्र के चरकरिया गांव में शराब माफियाओं ने अरविंद कुमार और सकल सैनी को गोली मारकर किया घायल। पुलिस स्मारक दिवस के अवसर पर ब्रह्मपुरा पुलिस लाइन में शहादत दिवस पर हुआ आयोजन। एसएसपी के सहित पुलिस अधिकारियों ने जिले के 4 शहीद पुलिसकर्मियों को दी श्रद्धांजलि। मुजफ्फरपुर मोतिहारी रेलखंड के बीबीगंज गुमटी के समीप सुबह टहलने निकले एक व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आ जाने के कारण हुई मौत। और रविवार को विभिन्न संगठनों और दलों ने रविवार को बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की मनाई जयंती। और खबरें विस्तार से। तुर्की ओपी क्षेत्र के चरकरिया गांव में दबंग शराब माफियाओं ने अरविंद कुमार और सकल सैनी को गोली मारकर घायल कर दिया। तुर्की ओपी क्षेत्र के चरकरिया गांव में शुक्रवार को शराब माफियाओं ने अरविंद कुमार उर्फ सकल सैनी का सकरी से अपहरण कर गोली मार दी। गोली से घायल अरविंद उर्फ सकल सैनी को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टरों ने उसे एसकेएमसीएच भेज दिया। घटना के संबंध में घायल अरविंद के परिजनों का कहना है कि शुक्रवार को अरविंद को खोजते हुए शराब माफिया उसके घर आए। अरविंद को घर में न पाकर उन लोगों ने अरविंद के घर के पास फायरिंग भी की। फायरिंग की आवाज सुनकर ग्रामीणों के गोल बंद होने पर सभी लोग अरविंद के दरवाजे पर ही अपनी बाइक छोड़कर भाग गए। परिजनों का कहना है कि शराब माफियाओं ने सकरी से अरविंद उर्फ सकल सैनी का अपहरण कर उसे गोली मार दी। जब हम दलानपुर मंदिर के पास बैठे हुए थे, वहाँ स्कॉर्पियो से और बाइक से आया, मंदिर को रुका और उसके बाद में पिस्टल निकाल के फायरिंग कर। कितने लोगों की संख्या में था? करीब 70-80। फिर उसके बाद में उतर कर फायरिंग करने लगा। हम वहाँ से भागने लगे, 4 फायरिंग किया पिस्टल से। उसके बाद में हम चारों तरफ राउंड करके घर में छोड़ गए। कितनी गोली लगी हम? एक। अच्छा, ये किडनैपिंग का मामला सामने आ रहा है कि इनको किडनैप करके ले गया था? हाँ, सकरी चौक पर से ले गया। कहाँ ले गया था इनको? इनको घुमाया भगवानपुर। कैसे कैसे आपको सूचना मिला और कहाँ पे गिरे मिले? ये सूचना मिले यहाँ छाजन पर। अच्छा, फिर कौन लोग थे? हम वहाँ तो नहीं था, हम यहाँ तो नौकाव गए थे। जब पिस्टल चला था तो वहाँ पर नहीं थे। हमला करने वाला वो रवि कुमार था और उसके बाद हम भाग रहे थे। हमको पहचान में नहीं, हम अपना आगे भाग रहे थे। और आई थाना क्षेत्र के जनार चौक पर शराब माफियाओं ने मूर्ति विसर्जन के दौरान जमकर लाठी डंडे बरसाए और 2 दर्जन दुकानों को उजाड़ दिया। और आई थाना क्षेत्र के जनार चौक पर मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के बाद बेदौर गांव से सैकड़ों की संख्या में आए लोगों ने न केवल जनार चौक के समीप की दुकानों में लाठियां बरसाई, बल्कि 25 दुकानों को उजाड़ दिया। इस क्रम में कई लोग चोटिल हो गए। पिटाई के शिकार लोगों का आरोप है कि जनार लोहरवा टोला में शराब का अवैध व्यापार हो रहा था। लोगों का कहना था कि जनार चौक पर दुर्गा पूजा के टाइम 16 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, जिसके कारण शराब धंधेबाज कारोबार करने में परेशानी हो रही थी। माना जा रहा है कि इन्हीं कारणों से शराब धंधेबाजों ने मूर्ति विसर्जन के दौरान लोगों और दुकानों पर लाठियां बरसाई। इस घटना को लेकर क्षेत्र में तनाव व्याप्त है। तनाव को देखते हुए पुलिस वहां कैंप कर रही है। मोतिहारी जाने के क्रम में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव का राजद कार्यकर्ताओं ने भगवानपुर चौक पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मोतिहारी जाने के क्रम में रविवार को राजद कार्यकर्ताओं ने राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव का फूलमाला के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया। स्थानीय भगवानपुर चौक पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने नेता का गर्मजोशी से आवागमन किया और जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर राजद नेता तेज प्रताप यादव ने कहा कि वे अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को गोलबंद कर मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए निकले हैं। मुजफ्फरपुर के पूर्व मेयर समीर कुमार हत्याकांड मामले पर पूछे जाने पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। अरे एक मिनट चुप रहना, तमाम धर्म हत्याकांड पे क्या कहेंगे समीर? हत्याकांड पे क्या कहेंगे? पीछे करिए ना।
समीर हत्याकांड में क्या गए? अच्छा, एसोसिएशन ऑफ हेल्पिंग हैंड के तत्वावधान में रविवार को नव युवक समिति ट्रस्ट सभागार में योग और आयुर्वेद के महत्व पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। एसोसिएशन ऑफ हेल्पिंग हैंड के तत्वावधान में रविवार को स्थानीय नवयुवक समिति ट्रस्ट सभागार में अवंतीलाल स्मृति संगोष्ठी श्रृंखला के तहत स्वास्थ्य लाभ के लिए आयुर्वेद और योग के महत्व पर विशेषज्ञों द्वारा चर्चा की गई। साथ ही स्मार्ट सिटी के निर्माण में लोगों की भूमिका सुनिश्चित हो, इस मुद्दे पर भी विचार विमर्श किया गया। एसोसिएशन ऑफ हेल्पिंग हैंड के संयोजक प्रोफेसर श्री प्रकाश ने इस अवसर पर कहा कि स्मार्ट सिटी तो बने परंतु स्मार्ट सिटी की सार्थकता के लिए शहर में स्मार्ट मोहल्ले भी बनने चाहिए। हम लोग एसोसिएशन ऑफ हेल्पिंग हैंड्स का जो आज प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें दो तरह के प्रोग्राम हैं। एक तो स्वास्थ्य संबंधित हम लोग करीब करीब एक दर्जन प्रोग्राम करा चुके हैं समय समय पर, और आज तात्कालिक समापन है, फाइनल समापन है। इसमें आज के दिन श्री दशरथ चौधरी डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, वो सरकारी सेवा में हैं, वो विशेषज्ञ व्याख्यान देने आए हैं, और दूसरे आए हैं एक योग पर पीएचडी कर रहे हैं, मुंबई आश्रम से जुड़े हुए हैं और रजिस्टर्ड है पीएचडी के लिए, और वो काफ़ी डिटेल्ड वर्क कर रहे हैं। उनका प्रोग्राम भी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो आयुर्वेद और योगाचार्य का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन इसलिए हम लोगों ने किया और तात्कालिक इसको विराम देंगे आज। पुलिस स्मारक दिवस के अवसर पर रविवार को ब्रह्मपुरा स्थित पुलिस लाइन में शहादत दिवस समारोह आयोजित कर जिले के शहीद हुए 4 पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। पुलिस स्मारक दिवस के अवसर पर रविवार को ब्रह्मपुरा स्थित पुलिस लाइन में शहादत दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यकर्ता ने शामिल हुए एसएसपी मनोज कुमार सहित तमाम पुलिस अधिकारियों ने लाइन परेड ग्राउंड पर बने स्मारक पर फूल माला चढ़ाकर विभिन्न घटनाओं में शहीद हुए जिले के 4 पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर एसएसपी मनोज कुमार ने कहा कि शहीद हुए जिले के 4 जवानों की बहादुरी पर पूरे पुलिस विभाग को गर्व है। परंपरा रही है वर्ष 1959 से लेकर आज तक, हम इस दिवस को पुलिस संस्मरण दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं और अपने कर्तव्य के दौरान अपने सर्वोच्च बलिदान प्राणों की आहुति देने वाले सभी वर्दीधारियों को याद करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं नीचे और प्रण करते हैं कि हम लोग शानदार तरीके से इनकी आहुति को साकार करेंगे और देश की सेवा करेंगे। इस वर्ष पूरे देश में 424 वर्दीधारियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, जिसमें बिहार के 10 वर्दीधारी और उसमें भी मुजफ्फरपुर से 4 वर्दीधारियों ने अपने कर्तव्य के दौरान प्राणों की आहुति दी। हम सभी पुलिसकर्मी इनके सेवा के ऋणी हैं। बलराज थाना क्षेत्र के विशनपुर होरिया गांव में ग्रामीणों ने बलराज थाना के वाहन चालक को संदेहास्पद स्थिति में पकड़कर पिटाई कर दी और उसे घंटों बंधक बनाए रखा। बरुराज थाना क्षेत्र के विशुनपुर होरील गांव में ग्रामीणों ने चोर के संदेह में बरुराज थाना के वाहन चालक प्रेम कुमार को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। पिटाई के बाद ग्रामीणों ने थाना के वाहन चालक प्रेम कुमार की पिटाई किए जाने की सूचना मिलते ही बरुराज पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर चालक को छोड़ने का अनुरोध ग्रामीणों से किया, परंतु ग्रामीण नहीं माने और पिटाई के बाद उसे घंटों बंधक बनाए रखा। यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट,
बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूरा सेट, कंप्यूटर चूरा, कुंदन चूरा, वाटर प्रूफ चूरा, चुंदरी तीन बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू पात चूरा, जंगली चूरा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं, जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का च्वाइस देखते हैं हम लोग, हैं उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। क्लियर योर कॉन्सेप्ट एंड अचीव योर ड्रीम्स एट जीनियस क्लासेस। IIT एवं मेडिकल में प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए उभरता कोचिंग संस्थान। हमारे यहाँ देश के प्रमुख शिक्षण संस्थान से अनुभव प्राप्त शिक्षकों द्वारा प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। शहर के बीचों बीच स्थित जीनियस क्लासेस में भव्य पार्किंग, पूर्ण वातानुकूलित शानदार क्लासरूम के साथ बच्चों को अनुशासित रखा जाता है। प्रीति रानी बीटेक IIT रुड़की द्वारा संचालित इस संस्थान में परिणाम निर्माण हेतु सदैव प्रयासरत शिक्षण संस्थान है। सो हु वांट्स टू बी द नेक्स्ट जीनियस, कॉल अस 7635091378 7635091387 7635091396। जीनियस नाम ही पहचान है। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक सत्र 2017 व 2018 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। आर कॉन्टेक्ट नंबर्स आर 7463884603 9006877392 8539857777। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर प्लस टू तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है, अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, CCTV कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है
आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल मेन रोड NH57 अहियापुर मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864 या फिर हम आप डायल कर सकते हैं 9931273960 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन इज गोइंग ऑन फ्रॉम नर्सरी टू नाइन्थ फॉर द सेशन 2018-2019। क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। भाइयों और बहनों, आपके स्मार्ट सिटी में खुल गया है उत्तर बिहार का पहला सभी रेंज के साथ ब्लू स्टार एक्सक्लूसिव शोरूम। यहाँ सभी प्रकार के एयर कंडीशनर, वाटर कूलर, चेस्ट फ्रीजर, वाटर प्यूरिफायर, एयर फ्रीजर, एयर कूलर के अलावा सभी प्रकार के रेंज उपलब्ध है। इस शोरूम में एक और खास बात है, यहाँ कस्टमर की सभी चीजों का ख्याल रखने के साथ यहाँ बजाज तथा HDFC बैंक फाइनेंस की सुविधा वो भी 0% इंटरेस्ट पर उपलब्ध है। ब्लू स्टार की 75वीं वर्षगांठ और त्योहारों के मौसम में ब्लू स्टार वाटर प्यूरिफायर खरीदने पर सुनिश्चित उपहार पाएं तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है UA इंटरप्राइजेस, अघोरिया बाजार, आमगोला रोड, नियर सिटी कार्ट मॉल, मुजफ्फरपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस, आवर कॉन्टेक्ट नंबर इज 9334900888 और यू मे डायल 9234900888 और यू कैन डायल 9973246300। का एकमात्र एक्सक्लूसिव ब्लू स्टार शोरूम आपके शहर में 75वें वर्षगांठ पर इस त्योहारों के मौसम में सभी प्रोडक्ट्स पे सुनिश्चित उपहार दे रही है, तो एक बार जरूर पधारिए। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मुजफ्फरपुर मोतिहारी रेलखंड के बीबीगंज रेलवे गुमटी के समीप रविवार की सुबह टहलने निकले एक व्यक्ति की ट्रेन के चपेट में आ जाने से मौत हो गई। मुजफ्फरपुर मोतिहारी रेलखंड के बीबीगंज गुमटी के समीप रविवार की सुबह घर से टहलने निकले गायघाट के निवासी 71 वर्षीय राम नरेश सिंह ट्रेन की चपेट में आकर घायल हो गए। घायल राम नरेश सिंह गुमटी के परे छटपटाते रहे, परंतु उनकी सुधि लेने न तो पुलिस पहुंची और न ही किसी व्यक्ति ने मानवता के नाते उनकी मदद के लिए आगे आए। अंततः छटपटाते श्री सिंह ने वहीं दम तोड़ दिया। उनकी मौत हो जाने के बाद वहां पुलिस पहुंची। सूचना मिलने पर मृतक के परिजन भी पहुंचे। परिजनों ने बताया कि वे घर से सुबह टहलने निकले थे, इसी क्रम में ट्रेन की चपेट में आ गए। जो ये है सब्जी ये गुमटी के पास कहीं दुर्घटना पता चला, घटना हो गया। अच्छा, कैसे सूचना मिला आपको? थाना के द्वारा, सदर हॉस्पिटल के द्वारा। अच्छा, फोन किया। पुलिस ने अभी तक कोई सहयोग आप लोगों को? पुलिस वही पुलिस इन्फॉर्मेशन दिया आपको। अच्छा, और पुलिस DRT के लोग सदर हॉस्पिटल में जब हम पहुँचे थे। क्या था नगर, क्या नाम भयंकर? राम। क्या एज होगा? 81। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? लोजपा और कांग्रेस के नेताओं ने अपने अपने कार्यालय में समारोह का आयोजन कर बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की जयंती मनाई। तिलक मैदान स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के सदस्यों ने बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की जयंती समारोह का आयोजन किया। इस दौरान कांग्रेस के सदस्यों ने डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर जिलाध्यक्ष ने संबोधित करते हुए कहा कि वे महान स्वतंत्रता सेनानी, आधुनिक बिहार के निर्माता तथा बिहार के औद्योगिक विकास पुरुष थे। वे नेहरू जी से मिलकर बिहार में कई कल कारखाने लगवाए। श्री बाबू का हमारे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, उनका 130वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। और जब वो प्रथम मुख्यमंत्री हुए, बिहार को उस परिस्थिति में संभालने का काम किया जो बहुत विषम परिस्थिति में उनको जो जवाब दे दिया गया था। और उन्होंने अपने कार्यकाल में समूह के साथ
समूह का विकास लेकर चले और अंतिम समय तक उन्होंने कांग्रेस का सेवा करते रहे। आज उन्हीं महान पुरुष का मैं जन्मदिन मना रहा हूँ। वहीं दूसरी ओर लोजपा जिला कार्यालय में भी डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह की जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान लोजपा के सदस्यों ने श्रीकृष्ण बाबू की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। लोजपा के सदस्यों ने कहा कि बिहार के विकास में श्रीकृष्ण सिंह का अहम योगदान है। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा में लगा दिया। युवा लोक जनशक्ति पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से जिला कार्यालय मुजफ्फरपुर भगवानपुर में श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री का जयंती मनाया जा रहा है। उनके आदर्शों पर चलने का हम लोग आज कसम खाए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी परिवार के सारे सदस्य और उनके आदर्शों पर चलते हुए इस बिहार को, साथ ही इस बिहार को अपने देश में मानचित्र पर प्रथम स्थान दिलवाने का हम लोग काम करेंगे। इसी सिलसिले में आज हम लोग यहाँ जिला कार्यालय में उपस्थित हुए हैं। निकटतम प्रत्याशी संघ के सदस्यों ने रविवार को बैठक कर नगर निगम के हुए घोटाले के विरोध में आंदोलन छेड़ने का निर्णय लिया है। निकटतम प्रत्याशी संघ ने अहम बैठक की। बैठक में निकटतम प्रत्याशी संघ के सभी सदस्य शामिल हुए। बैठक के दौरान निकटतम प्रत्याशी संघ के अध्यक्ष समेत सभी सदस्यों ने संयुक्त रूप से बयान जारी करते हुए कहा कि 2017 के दिसंबर महीने में निकटतम प्रत्याशी संघ द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ज्ञापन दिया गया था, जिसमें नगर निगम द्वारा सड़क और नाले के बिना टेंडर करवाने के अलावा कई अनियमितता की शिकायत की गई थी, लेकिन 10 महीने बीतने के बाद तथा मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद भी नगर विकास एवं आवास विभाग के क्रियाकलाप संदेह उत्पन्न कर रहा है। आज हम लोग निकटतम प्रत्याशी के जो कोर कमेटी है उन लोग को बुलाए हैं, जो हम लोग का तय है कि मुजफ्फरपुर नगर निगम में काफ़ी बड़ी घोटाला हो चुकी है और घोटाला में भी भेदभावपूर्ण ढंग से इसकी जांच हो रही है। जो मंत्री जी के चहेते ठेकेदार है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो मंत्री जी के विरोधी या नगर निगम में सही काम करने वाले ठेकेदार है लेकिन कमीशन न दे पाते हैं, वैसे ठेकेदार सामाजिक न्याय के ठेकेदारों पर कार्रवाई हो रही है। अभी वर्तमान में 2017 में जो शहरी क्षेत्र में सड़क नाला का निर्माण हुआ था, सभी जगह गिट्टी उखड़ गया, मानक के विपरीत उसका इस्टीमेट बना। 8 करोड़ रुपया 2017 में जो आया था उसमें नियम थी सरकार का, नगर विकास विभाग का, कि बिना टेंडर के कोई काम नहीं होगी, लेकिन इन लोगों ने एक साजिश करके उसको विभागीय रूप से काम कराया। उस समय 275 नंबर का जो है मॉडल था ट्रैक्टर, जो ये लोग 6,66,000 में खरीदे, जबकि उसी एजेंसी से हम लोग इस्टीमेट निकाले थे 6,09,000 में आया, उसी इस्टीमेट में ट्रॉली का 1,05,000 खरीदारी हम लोग को बताया गया और ये लोग 1,50,000 में खरीदारी किए। जिला बागेश्वर संघ के सदस्यों ने रविवार को बैठक कर संगठन के नए कार्यकारिणी का गठन किया। आमगोला स्थित स्कूल ऑफ द डेफ में जिला बधिरमुख का चुनाव कराया गया, जिसमें जिले के सभी सदस्य शामिल हुए। चुनाव में लगभग 100 लोगों ने अपने मतदान का प्रयोग किया। चुनाव संपन्न होने के बाद वोटों की गिनती की गई, जिसमें अध्यक्ष चंद्रमोहन प्रधान, उपाध्यक्ष आलोक कुमार, महासचिव प्रिंस कुमार, सहायक सचिव शुभम कुमार बने। ये आज का कार्यक्रम ये है कि आज चुनाव है, ये डीफ एंडम लोग का है, मतलब जो लोग मुख बधिर है, ये लोग दिव्यांग के सेक्टर में आते हैं, तो मुख बधिर संघ मुजफ्फरपुर की तरफ से आज चुनाव है, जिसमें कोर कमेटी का आज गठन होगा। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव, ये सब पद का गठन होगा और आगे किस तरह से इसको मुख्य धारा में लाना, क्या क्या सुविधा दिव्यांगों को मुख बधिर सेक्टर में दिलवाना, ये सब के आगे फिर मतलब चुनाव बाद जब लोग गठन करके आगे आ जाएंगे तो फिर आगे चर्चा करके आगे इस चीज को और मजबूती प्रदान किया जाएगा। इनर व्हील क्लब और मुजफ्फरपुर के द्वारा रविवार को छोटी कल्याणी स्थित एक सभागार में चयनित 80 बच्चों के लिए डांसिंग कॉम्पिटिशन का आयोजन किया गया। इनर व्हील क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर के तत्वाधान में रविवार को छोटी कल्याणी स्थित एक होटल के सभागार में चयनित 80 बच्चों के लिए डांसिंग कॉम्पिटिशन का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में 6 वर्ष से लेकर 18 साल के बच्चे बच्चियों ने भाग लेकर अपनी कला प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस आयोजन के संबंध में क्लब की सचिव ने बताया कि बच्चों में कला प्रतियोगिता जगाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सिंगिंग और डांसिंग और उस डांस में बहुत सारे बच्चे आए हैं,
छुपे हुए थे, मैं कोच बनकर सबको निकाली हूँ और 10 दिन के मेहनत में 80 बच्चों को लेकर स्टेज पे आई हूँ और ये सब बच्चे पहली बार स्टेज को लिए हैं और ये ज़्यादा अच्छी बात है कि इतना कॉन्फिडेंस, इतना सुरीले दिख रहे हैं जो आज पेरेंट्स भी बहुत जागरूक हो रहे हैं देख देख, क्योंकि मेरे बच्चे इतना जानते थे और मैं अभी तक अनजान थी इस प्रतियोगिता से उन्हें ये सीख मिली है कि उन्हें बच्चों को सिखाना जरूरी है और वो शायद सिखाएंगे। अच्छा, क्या सिर्फ मुजफ्फरपुर के बच्चे हैं कि बाहर भी बच्चे आए हैं? बाहर के भी हैं, गांव साइड की कुछ बच्चियाँ आई हैं और सुनकर वो आई हैं और उन्हें भी अच्छा लगा है। पटना से भी कुछ आई हैं पेरेंट्स लोग लेके आए हैं। सिर्फ सिंगल डांस की, ग्रुप डांस की? ग्रुप डांस भी है लेकिन थोड़ा जगह कमी होगा इसलिए लास्ट में उनका परफॉर्मेंस रखा गया है। उधर प्रतियोगिता में शामिल होने आए बच्चे इस कार्यक्रम में भाग लेकर काफी खुश दिखे। बच्चों का कहना था कि इस मंच पर अपनी कला प्रतिभा का प्रदर्शन करना उन्हें काफी अच्छा लगा। कैसे सीखा भी है? नीचे करो। कैसा लगा आज का ये कार्यक्रम करने में? किस गाने पे डांस की है? कौन से गाने पर? क्या नाम हुआ आपका? बाबू, आप कहाँ से आई हो? अच्छा, आज यहाँ कार्यक्रम में तुम प्रतिभागी बनी हो, डांस की हो, किस गाने पे डांस की हो? ढोल बाजी। कैसा लग रहा था आज? अच्छा लग रहा। परफॉर्मेंस पहली बार की हो? आज की खबरों में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।